हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। मेरे पास है वीवो V25 Pro, और वीवो V25 Pro में आपको एक न्यू F40 अपडेट दिया गया था, उसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा वीवो V25 Pro में कैसा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है, बैटरी बैकअप यहां पर कैसी मिल रही है, लेट चार्जिंग इशू है कि नहीं, और यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि फोन कितना स्मूथ चल रहा है, पहले की तरह स्मूथ है या फिर कुछ हद तक जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पर सेटिंग में चल के आप लोग को अपडेट जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग चलते हैं सिस्टम अपडेट पे, इस पे टैप करते हैं और नीचे यहाँ देख सकते हैं आपको वर्जन देखने के लिए मिल जाता है। इस पे टैप करेंगे, यही वर्जन आपको देखने के लिए मिला था न्यू अपडेट में। और यहाँ पर बताया गया है कि मार्च 2023 का आपको गूगल सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है, तो आपको पिछले वाले मंथ का ही सिक्योरिटी पैच लेवल मिला है, तो कुछ हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन सेम मंथ का होता तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। उसके नीचे यहाँ पर बताया गया है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम पावर कंजप्शन टू इम्प्रूव सिस्टम स्मूथनेस। तो यहाँ पर गाइस बताया गया है कि पावर को लेकर जो है ऑप्टिमाइज किया गया है आपके वीवो V25 Pro में। इसके बाद से होगा क्या कि आपका जो UI है एकदम स्मूथ जो है वो काम करेगा वीवो V25 Pro में। तो मैं आप लोग बता दूं, जब से ये अपडेट आया तब से यहाँ पर फोन जो है काफी स्मूथ जो है परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। 120 हर्ट्ज पे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन आपके फिंगर पे जो है वो काम कर रहा है, एकदम स्मूथ है परफॉर्मेंस इसका। बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो थोड़ा बहुत जो है बैटरी ड्रेन इशू देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप जो है वो देखने के लिए मिल जाता है वीवो V25 Pro के अंदर। और बात करें यहाँ पर लेट चार्जिंग इशू के बारे में, तो बिल्कुल भी लेट चार्जिंग इशू नहीं है, फोन एकदम फास्ट चार्ज हो जा रहा है। बात करूं यहाँ पर गेमिंग के अंदर, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है गेमिंग के अंदर भी, पहले की तरह ही परफॉर्मेंस आपको मिलता है गेमिंग के अंदर, लेकिन कुछ हद तक जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वीवो V25 Pro। हाँ, अगर आप लोग काफी ज्यादा गेम प्ले करते हैं तो फोन जो है वो हीट कर जा रहा है पीछे से, लेकिन हीट के कारण आपका वीवो V25 Pro जो है वो लैग नहीं कर रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप लोग गेमिंग करते हैं तो हल्का फुल्का आपको लैग देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उस तरह का लैग नहीं हो रहा है। फोन जो है एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है गेमिंग के अंदर भी और UI के अंदर भी। तो ओवरऑल देखा जाएगा इस, तो इस अपडेट में बस दो ही चीज बताया गया था कि एक जो है न्यू गूगल सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है और पावर ऑप्टिमाइज किया गया है इस वाले अपडेट में। इसके अलावा इसमें और कुछ भी न्यू इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, बस ये दो चीज बारे में बताया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा मिल रही है। तो आप लोग भी अपडेट कर चुके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का वीवो V25 Pro कैसा परफॉर्मेंस निकल के दे रहा है, क्या पहले की तरह ही है या पहले से कुछ बेटर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो मिल रहा है, या फिर आपका फोन लैग कर रहा है, या फिर बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।